ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഭീകരവേട്ട തുടരുന്നു 24 മണിക്കൂറിനിടെ സുരക്ഷാസേന 13 ഭീകരരെ വധിച്ചു ചുവപ്പും ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി തുടരുമെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണുദേവ് സായി വ്യക്തമാക്കി देखिए अभी तक हम लोगों की जब से सरकार आई है मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि 13 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों का है और हम लोग सुरक्षा के बराबर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर डाल रहे हैं और सुरक्षा कैंप नहीं मतलब सुविधा कैंप और उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहाँ तक राशन सड़क बिजली पानी सब पहुँचाना चाहते हैं लेकिन इसका भी ये लोग विरोध करते हैं और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और एक नियत निलानार योजना आपका अच्छा गांव योजना भी हम लोग लागू किए हैं जिसके माध्यम से सरकार की जो भी सुविधाएँ हैं और गाँव वालों की जो बुनियादी आवश्यकता है राशन सड़क बिजली पानी इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम कर रही है। एक जवान भी घायल हुआ है। अब देखिए युद्ध में तो होते रहता है ये सब, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष को हानि उठाना पड़े, तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी हानि उठाना तो पड़ रहा है लेकिन अंततः हम लोग विजय प्राप्त करेंगे।